सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू माई फ्रेश न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी जाना है मुझे जिम, सो ही बना रहा हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी एंड साथ में लूँगा अपना प्री वर्कआउट मील। इसके बाद निकलूँगा जिम के लिए एंड जो भी वर्कआउट करता हूँ आपको दिखाता हूँ जिम में। सबसे पहले लेते हैं अपना मील एंड निकलते हैं बाहर जिम के लिए। सो फ्रेंड्स, अब मैं निकल चुका हूँ जिम के लिए एंड आज करना है मुझे बैक एंड बाइसेप्स का वर्कआउट। सो रास्ता थोड़ा ख़राब है, इसके लिए सॉरी। तो जल्दी चलते हैं, वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट करने के बाद शायद मुझे जाना है आज रेलवे स्टेशन, भैया आ रहे हैं उनको पिक करने के लिए। तो फिर स्टेशन के वसीले जिम के वसीले वहीं जिम में, पहले जिम चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं जिम के अंदर। तो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ घर पे एंड मेरा जो वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट। अब जा रहा हूँ शावर लेने, जल्दी से लेता हूँ शावर फिर आपको मिलता हूँ शावर लेने के बाद। सो गाइज, अभी जस्ट मैं बाहर आ चुका हूँ एंड बाहर आने के बाद एक जगह खड़ा हूँ, किसी का वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली जाना था किसी काम से तो बस अभी बाहर खड़ा हुआ हूँ, बाइक से आया हूँ। आप देख सकते हैं बाइक में बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ किसी का। तो जैसे जो मेरा काम है वो निकल जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं निकलूँगा अपने काम से। तो एक्चुअली मुझे जाना था एक लैंड के पर्पस में, मतलब एक बंदा है जिसको कोई लैंड देखना है, तो उसके कारण मैं जा रहा हूँ बाहर उनके साथ। तो बस वेट कर रहा हूँ, जैसे वो आते हैं उसके बाद अपने काम से फ्री होता हूँ, फिर शायद जाऊँगा मैं बाहर। तो मुझे अपने लिए कुछ लेना भी है, नारियल पानी वगैरह, तो वो सब लूँगा, फिर शायद घर भी लेके जाऊँ। तो अपना जो काम है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं जस्ट आ गया हूँ बाहर, घर गया था, घर से शावर वगैरह लिया एंड आ गया हूँ बाहर एंड अभी बैठा हूँ अमृतुल्या में एंड पी रहा हूँ चाय। सो चाय पीता हूँ फिर यहाँ से निकलूँगा बाहर, एक जगह और जाना था। तो ये है भाई, हेलो बोल दो, चाय वगैरह पी रहा हूँ एंड फिर इसके बाद यहाँ से निकलता हूँ एंड जाने के बाद फिर आपको बाहर कहाँ जाता हूँ क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से पहले चाय पीते फिर मिलते हैं आपसे बाहर। गाइस, मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर मार्केट के अंदर एंड जस्ट अभी यहाँ पे एक दो बड़ी बड़ी गैया आके बहुत जोर से, मतलब कई सारी बाइक को गिराते हुए और रनिंग करके कई सारे लोग को भी चोट पहुँचाते हुए गई है। सो काफी ज्यादा भीड़ जमा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं एंड आपको दिखाता हूँ बाइक वगैरह भी लोग गिरी पड़ी है। तो यही तो है, क्या बोल सकते हैं कि लोग ऐसे जानवरों को खुला भी छोड़ देते हैं। कम से कम गवर्नमेंट को या फिर जो जानवर को एक जगह रखते हैं उन जगह उठा के जो आवारा गैया या कुत्ते वह भी घूमते हैं इनको कम से कम रखना चाहिए, ताकि उनकी भी सेफ्टी रहे जानवरों की और लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, ट्रैफिक भी ज़्यादा जाम ना हो। तो ये चीज़ करनी चाहिए। अब लोग क्यों नहीं करते हैं नहीं मालूम, बट अब वही है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बाइक वगैरह गिरी पड़ी है। बट ठीक है, अभी फिलहाल तो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं खुद भी फंस जाऊंगा एक हाथ से फोन पकड़ा हूँ। तो यहाँ से निकलता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। Few moments later. तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं बाहर निकला हुआ था एंड आया था पीछे में लस्सी लेने के लिए अमूल डेयरी। सो भाई एक मिल गए और जस्ट इन्होंने कमेंट किया कि आपका स्कार्फ अच्छा लग रहा है, तो मैंने इनको अपने क्लिप में ले लिया। ब्रदर, आपका गुड नेम? अर्जित भाई है। सो अच्छा लगा मिल के इनसे एंड आई होप ये मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। सो बस जाता हूँ लस्सी वगैरह पीता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से नेक्स्ट जगह, बाय। सो अभी आ गया हूँ मैं पंजाबी डेयरी और यहाँ पीने जा रहा हूँ लस्सी। सो पीछे है भाई एंड मास्क है चेहरे पे, बट अभी मास्क ही हटा देता हूँ। सो मास्क हटा चुका हूँ, ये आ गई लस्सी। सो इसको पीता हूँ बटर स्कॉच फ्लेवर एंड फिर यहाँ से निकलता हूँ। तो अब मैं आ चुका हूँ घर पे एंड मम्मी बना रही हैं पराठा और ये है बन के रखा हुआ है और ये बनाया मम्मी ने और देखते हैं क्या बना है। ये है घर का बना हुआ पापड़ जो कि मैं शादी खाऊंगा और ये है टमाटर की चटनी जो कि मैं खाऊंगा इसके साथ शाम में, फिर में भी रात में, सो इसको खाते हैं। और बस अभी तो फिलहाल जाता हूँ, थोड़ा मुँह हाथ धोता हूँ क्योंकि जस्ट आया हूँ बाहर से। फ्रेंड्स, मैंने मुंह हाथ तो धो लिया था एंड अब ये है नेक्स्ट डे का क्लिप।
अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक वॉश कराने के लिए, वॉश कराता हूँ, फिर जल्दी से आता हूँ घर, फिर खाऊंगा लंच एंड फिर इस ब्लॉग की एडिटिंग करके इस ब्लॉग को एंड करेंगे। पहले चलते हैं बाइक वॉश कराने, फिर आपसे मिलते हैं। वो आप देख सकते हैं बाइक जो है वॉश हो चुकी है, अभी जा रहा है भाई वहाँ पे, थोड़ा सा उसको क्लीन वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ घर के लिए। गाइज ये जो है मेरी बाइक वॉश हो चुकी है पूरी कंप्लीटली, आप देख सकते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है, पूरी पॉलिश वगैरह करके गाड़ी काफ़ी अच्छी दिख रही है, आप देख सकते हैं। मैं आया हूँ अभी श्री साईं कार वॉश, जो कि राजकिशोर नगर में है, एंड इनका काम बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड इन्होंने एक रूम बनाया हुआ है जहाँ पर हर तरह का कोटिंग, PPF, टेफलॉन कोटिंग सब होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अपने फ्रेंड्स को भी, अगर आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं, अपना वीडियो है मतलब गाड़ी को करवाने के लिए जो भी आपको कराना है। एंड मैं तो वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इनका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड आप देख सकते हैं हर तरह से गाड़ी को, हालांकि गाड़ी पुरानी है इसलिए से दिख रही है, बट जो एक्चुअल में देख रहा हूँ वो आपको मैं बता नहीं सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड साफ सुथरी इन्होंने कर दी है गाड़ी को, तो देख के ही मज़ा आ जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं गाड़ी अंदर से, एंड जो भाई हैं वो अपने क्लिप के लिए, यूट्यूब के रील्स के लिए क्लिप बना रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है गाड़ी, चमकदार शाइन, तो देख के ही मज़ा आ जा रहा है। फ्रेंड्स अब मैं आ चुका हूँ घर पे, बाइक वगैरह वॉश करवा दिया हूँ। ये आप सोच रहे होंगे क्या है, तो ये है बाटी, ये बन रही है, एंड ये है बेसिकली राजस्थानी डिश है, और ये है दाल जो मम्मी बघार रही हैं, ये सब आप देख सकते हैं, मसाले वगैरह उसमें डाल रही हैं, हींग जीरा जो भी है, एंड ये है कुकर। तो ये अभी बन रहा है आप देख सकते हैं, पूरा बनने का आपको दिखाता हूँ अभी। तो मम्मी इसमें क्या कर रही हो मम्मी आप इसमें फिलहाल? हाँ नहीं, ये क्या कर क्या रही हो? दाल बघा रही हूँ मम्मी, तो ये जल्दी से हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको हम खाएंगे और बनने का आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं जाता हूँ नहाने क्योंकि जिम से बाइक वॉश करने गया था। गाइस अब मैं आ चुका हूँ नहा के, शावर वगैरह भी ले लिया, अब जा रहा हूँ अपना लंच करने, लंच करने के बाद निकलूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कल मिलते हैं एक फ्रेश न्यू ब्लॉग में, मतलब कि अभी थोड़ी देर से बाद मैं स्टार्ट करूंगा नया ब्लॉग। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।